स्मार्ट मीटर को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर राजद का प्रदर्शन। बिजली के नाम पर सरकार बना रही बेवकूफ। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय, पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर सूबे के गरीब लोगों को सरकार बिजली के नाम पर बेवकूफ बना रही है। स्मार्ट मीटर में मची लूट के खिलाफ राजद द्वारा मंगलवार को तेघड़ा प्रखंड कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य सह पंचायती राज प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष जनार्दन यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में दिया जाता है। पूरे बिहार के बिजली उपभोक्ताओं परेशान हैं। पंचायती राज प्रकोष्ठ के राज्य सचिव कामदेव यादव ने कहा कि बिहार में जबरदस्ती सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगवाया जा रहा है। मोदी जी के चहेते निजी कंपनी अंबानी व अदानी के एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड व नागार्जुन कंपनी के साथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ लगभग 2 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का करार किए हुआ है, जिसमें अभी तक 50 लाख घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। जहां जमकर लूट मचाई जा रही है, वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मकबूल आलम ने कहा कि किसानों को बिहार में बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजद पूरे बिहार में इस स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट शिजा का विरोध करते हुए इसको बंद करने की मांग कर रही है। वहीं रजत नेता सरस्वती चंद्र ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आज बिहार से लेकर केंद्र तक गरीबों की आर्थिक दोहन में लगी हुई है। अंचल कार्यालय से लेकर हर सरकारी कार्यालय में लूट मची हुई है। पंचायत समिति सदस्य सह राजद नेता अनुज कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावा दिए जनता का एक भी कार्य नहीं हो रहा है। तमाम जन समस्याओं को लेकर राजा चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब लोगों के आर्थिक दोहन को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। उक्त धरना को दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। अब मैं कड़ी में बड़े भाई जनार्दन यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो आ गए। और जो एक दिवस में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन आधा स्मार्ट मीटर के विरोध में, पहले हम जानते हैं कि इस स्मार्ट मीटर में क्या खामियां हैं। पहले हमारे नेता और कांग्रेस के आदरणीय दीपक भैया जी ने बताया कि पिछली सरकार जब हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोग रहते थे, उनकी